दोस्तों, मोबाइल टेक्निकल गुरु में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप जियो फ़ोन चलाते हैं और यदि उसकी आवाज़ स्लो आती है, यदि ये स्पीकर से आवाज़ यदि धीमी आती है, तो उसे आप कैसे ठीक करेंगे। दोस्तों, आपको मैकेनिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके रिंगर से आवाज़ कम आती है, जिससे आपकी घंटी बजती है उससे आवाज़ कम आती है, तो उसे आप कैसे ठीक करेंगे। दोस्तों, इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, बहुत ही कमाल की ये वीडियो है, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का आइकन देख रहे हैं उस पर भी क्लिक करके आल वाले बटन पर दबा दें, ताकि जब भी कोई इस टाइप का वीडियो टेक्नोलॉजी से संबंधित लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए और मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप मौर्य। दोस्तों, यदि आपका जियो फ़ोन जब नया लेते हैं तो उस समय आपकी जो मोबाइल फ़ोन की स्पीकर होती है उसकी आवाज़ ठीक ठाक होती है, लेकिन जब आप 4 महीने 6 महीने यूज कर लेते हैं तो उसकी जो ईयर स्पीकर होती है, रिंगर स्पीकर होता है, वो उसकी आवाज़ कम हो जाती है, आपको सुनाई नहीं देता है। आप यही सोचते हैं कि मेरा स्पीकर ख़राब हो चुका है। आप मैकेनिक के पास जाते हैं तो 300-400 रुपये आपसे ले लेता है। लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा वीडियो, ठीक है। आप अपने मोबाइल फ़ोन को खोल लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सरल तरीका आपको बता रहे हैं और बहुत ही आसान है, ठीक है। आप अपने जियो फ़ोन को खोल लीजिएगा। यदि आपके पास सैमसंग कीपैड फ़ोन है, ओप्पो, किसी भी प्रकार का कोई सा भी कीपैड फ़ोन है, तो ये ट्रिक आप में काम करेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम आपको दिखा देना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको इसीलिए लाइव दिखा रहे हैं। ठीक है, ये निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉर्नर पे छोटे छोटे लॉक होते हैं, आराम से खोलिएगा, नहीं तो एक भी कंपोनेंट टूटेगा तो आपका जो मदरबोर्ड है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लेट अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये जो ईयर स्पीकर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसे आपको ऐसे चिमटी या किसी सुई से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। निकालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये हम अलग कर लिए, ठीक है। अलग करने के बाद, ठीक है, यदि आपके मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की आवाज़ कम है तो क्या करना है, यहाँ पे एक जाली लगा होता है, ध्यान से देखिएगा, ये जाली लगा होता है, तो इस जाली को आपको क्या करना है, साफ़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे साफ़ कर लेना है, ठीक है। ये इसमें धूल जम जाने के कारण, डस्ट आ जाने के कारण, जो आपके ईयर स्पीकर की आवाज़ है वो बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो आप इसे साफ़ कर लीजिएगा और इसमें छोटे छोटे होल होते हैं, ठीक है। आप इसे ऐसे सुई के माध्यम से साफ़ कर लीजिएगा या इसमें छेद बना लीजिएगा, ठीक है। यदि नहीं साफ़ होता है तो इसका जो पर्दा है उसे आपको हटा देना है, ठीक है। मेरा पर्दा सही है, इस स्पीकर का जो पर्दा वो सही है, तो मैं इसे छोड़ देता हूं। लेकिन आपका पर्दा यदि ख़राब हो चुका है तो यहाँ पर जो इसका पर्दा, इसे हटा देंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्पीकर के ऊपर एक यहाँ पे देख सकते हैं पर्दा लगा हुआ, इसे आपको ऐसे साफ़ कर लेना है, ठीक है। जब ये साफ़ हो जाएगा तो जो स्पीकर की आवाज़ है वो बाहर निकलने लगेगी। जब इस पर धूल जम जाता है, डस्ट जम जाता है, तो आपके स्पीकर से आवाज़ बाहर नहीं निकल पाती है, ठीक है। तो आप फिर से दोबारा इसी तरीके से आप लगा दीजिएगा। दोस्तों, यदि आपके मोबाइल फ़ोन की स्पीकर से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है, एकदम शून्य हो गया है, तो आप इस स्पीकर को आप बदल दीजिएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आपके मोबाइल फ़ोन के जो पीछे का स्पीकर होता है, इस पर भी पर्दा लगा होता है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, जब इसको ऐसे टच करेंगे तो यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है, ठीक है। इस पर्दे को आपको साफ़ करना है, ठीक है। यदि आवाज़ धीमे आती है तो आप साफ़ कर देंगे तो 100% 3 गुना आपके मोबाइल फ़ोन की आवाज़ हो जाएगी, जैसे आप नया लेते हैं उस कंडीशन में आपका मोबाइल फ़ोन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्दा, यदि आपके मोबाइल फ़ोन में ये पर्दा
ख़राब हो चुका है तो आप इस पर्दे को ऐसे रिमूव कर दीजिएगा, फिर इस पर्दे की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट यूज करिए या इस पर कोई किसी भी प्रकार का हल्का सा पर्दा इस पर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बस आपको समझाने के लिए बनाए थे। ठीक है, आप इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। फिर आप वैसे ही अपने मोबाइल फ़ोन को पैक कर लीजिएगा दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। इसी प्रकार के टेक्नोलॉजी से संबंधित मैं अपने चैनल पर वीडियो लाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का आइकन देख रहे हैं उस पर भी क्लिक करके आल वाले बटन पर दबा दें, ताकि जब भी कोई इस टाइप का वीडियो टेक्नोलॉजी से संबंधित बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले जाए। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ इसी टाइप के वीडियो के साथ, आपका दिन शुभ हो।